अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुल जब्बार है और आप मेरा यूट्यूब चैनल एज इलेक्ट्रॉनिक्स देख रहे हैं। आज दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको P200 सीरीज़ BFD के बारे में बताऊंगा कि आप किस तरीके से उसे क्विक कनेक्शन के ज़रिए चला के चेक कर सकते हैं इस वीडियो को। दोस्तों आप अगर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आइंदा जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों ये P200 सीरीज़ के जो BFD है दोस्तों, इसे बिल्कुल ही शॉर्ट और मुख्तसर वक्त में किस तरीके से आप रन कर सकते हैं वो तरीका मैं आपको बताऊँगा दोस्तों, ठीक है ना। तो ये देख लें आप, उसके तरीक़ाकार कनेक्शन का देख लें दोस्तों। आपने कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ दो वायर कनेक्शन करना अपने ग्राउंड एंड फॉरवर्ड, ग्राउंड एंड फॉरवर्ड। ये ग्रीन वायर जो मैंने कनेक्शन किया दोस्तों, ये देख लें, ये ग्रीन वायर जो है मैंने ग्राउंड और फॉरवर्ड के साथ कनेक्शन किया है, ठीक है दोस्तों। ये इसके पावर के कनेक्शन है, देख लें, ये इसके मोटर के कनेक्शन है, ठीक है। पावर RST जो है ये पावर है, और UVW जो है दोस्तों ये अपने मोटर के साथ कनेक्ट करना है, जिस मोटर को आपने रन करके चेक करना है, जिस मोटर को आपने देखना है चला के उस मोटर के साथ, ठीक है ना दोस्तों। और दूसरा कनेक्शन एक आपने और करना है दोस्तों, ये देख लें आप, दूसरा कनेक्शन जो है दोस्तों वो +10 वोल्ट और AL1 इनको आपस में शॉर्ट कर देना है, ठीक है ना दोस्तों। +10 वोल्ट और AL1 इस दो पॉइंट को अपने आपस में शॉर्ट कर देना दोस्तों, तो ठीक है ना दोस्तों। देखें आप, मैं इसे ऑन करता हूँ, ये मैंने इसके पावर प्लग देख लें आप, इसके साथ कनेक्ट किया हुआ दोस्तों, ठीक है ना। अब इस पावर प्लग को मैं सप्लाई देता हूँ दोस्तों, ठीक है ना, और सप्लाई देके ऑन करके चेक करके देखता हूँ इसमें कि क्विक तरीके से हमारा ये BFD रन होता है या नहीं होता है, जो मैंने कनेक्शन किया जो बताया आप लोगों को। तो देख ले दोस्तों, ये ऑन तो हो गया है BFD। अब ये दोनों ग्रीन वायर को आपस में टच करना है, ठीक है ना दोस्तों। ग्राउंड और फॉरवर्ड के साथ जो कनेक्शन किया मैंने ग्रीन वायर को, ये देख लें, ये दो ग्रीन वायर है, ये दो ग्रीन वायर जो कि मैंने बताया, ये देख लें, इसको टच करके चेक करेंगे आप। ये देख लें दोस्तों, इसकी डिजिट आगे पीछे हो रहे हैं, यानी ये फ्रिक्वेंसी को शो कर रहा है, ठीक है ना दोस्तों। ये देख लें, ये इसके फ्रिक्वेंसी को शो कर रहा है कि कितने फ्रीक्वेंसी पे मोटर चल रहा है, कितने हॉर्स पे, ठीक है ना। ये देख लें आप दोस्तों, एक दफ़ा और देख लें, ये दो तार को आपने आपस में टच करके चेक करना है दोस्तों, ठीक है ना। और वाइट कलर का जो कनेक्शन किया हुआ मैंने देख लिया दोस्तों, आपने ये ग्रीन वायर के पीछे वाइट कलर के है जो मैंने बताया आपको, +10 वोल्ट और AL1, ठीक है ना। ये दोनों को आपने जंप कर देना है आपस में, और इस तरीके से आपने क्विक चेक कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं मोटर को, और BFD को भी टेस्ट कर सकते हैं कि आया हमारा ये BFD में कोई मसला तो नहीं है, सही है ना दोस्तों। ये देख लें दोस्तों, ये मैंने एक मोटर जो को मैंने कनेक्शन किया, डेल्टा कनेक्शन है दोस्तों इस मोटर की, ये देख लें दोस्तों, देख रहे हैं दोस्तों, ये मोटर की है। देखें अब जब मैं ग्रीन वायर का आपस में टच करूँगा तो ये मोटर देख लें दोस्तों, ये रन हो रहा है, ठीक है ना। ये देख लें दोस्तों, ये मोटर रन है, ठीक है ना। ये सिर्फ दो ग्रीन वायर को मैं जब टच कर रहा हूँ तो ये मोटर रन हो रहा है, ठीक है। अब जब दो ग्रीन वायर को आप जुदा कर देंगे, अलहदा कर देंगे, तो ये मोटर ये ऑफ हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्विक चेक करने का तरीका मैंने बताया दोस्तों आपको, किसी झंझट पर भी ना अपने आसानी से मोटर को चेक कर सकते हैं। सिर्फ सिंपल दो वायर अपने लगाना है, +10 वोल्ट और AL1 पे इसको जंप कर देना है, और ग्राउंड और फॉरवर्ड से दो वायर निकाल के आपने आपस में टच करना है, और टच करके देखना है दोस्तों कि इसके ज़रिए से मोटर आपका रन हो रहा है या नहीं हो रहा। ये देखा दोस्तों, दो ग्रीन वायर को जब आप टच करेंगे तो ये मोटर को रन होना चाहिए, ठीक है ना। ये मोटर डेल्टा कनेक्शन है, ठीक है ना दोस्तों। ये इसी BFD के ज़रिए से मैंने चलाया है, जो BFD P200 सीरीज़ की BFD है ये, ठीक है ना दोस्तों। तो ये देख लें, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ एक दफ़ा और, ये देख लें, ये दो ग्रीन वायर है जो मैंने बताया आपको, ग्राउंड और फॉरवर्ड, ठीक है ना दोस्तों। ये याद रखें, ग्राउंड और फॉरवर्ड, इस दो वायर को आपस में आपने मिलाना है। ये कनेक्शन को आप आसानी से देख लें, एक दफ़ा और देख लें दोस्तों कनेक्शन को अच्छी तरीके से, ठीक है ना दोस्तों। ये कनेक्शन को अच्छी तरीके से देख लें आप,
प्लस 10 बोल्ट और AL1 को आपस में जंप कर दिया हमने, ठीक है ना दोस्तों। ग्राउंड और फॉरवर्ड को आपस में आपने टच करके देखना है कि आया ये आपको मोटर BFD मोटर को रन कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये इसका बेसिकली सिंपल और आसान सा तरीका है दोस्तों, ठीक है ना। इस तरीके से जरिए आप BFD को क्विक टेस्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, चेक करके देख सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल नहायती मुख्तसर टाइम में, मुख्तसर वक्त में दोस्तों आप इसे चेक करके देख सकते हैं कि आया आपका ये BFD रन हो रहा है या नहीं हो रहा है, BFD में कोई मसला तो नहीं है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये इसका बेसिक तरीका था जो मैंने बता दिया आपको, बिल्कुल ही शॉर्ट और मुख्तसर टाइम में आप इसे चेक कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। ये देख लें दोस्तों, EP200 सीरीज़ की है मॉडल है इसकी दोस्तों, ये 50 HP की है।